स्वागत है स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड। यस, पहले लेक्चर में हमने वन वेरिएबल वाला इक्वेशन सॉल्व किया, सेकंड लेक्चर में हमने टू वेरिएबल वाले इक्वेशंस को प्लॉट किया, लेकिन एक या दो इक्वेशंस ही प्लॉट किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग तीन चार चार इक्वेशंस एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने वाले। यस, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू एक्चुअली फॉर्मुलेट योर एलपीपी। अब तक एलपीपी का हम लोग सम सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि बहुत सारे इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन मैंने आपके लिए रखा है बिकॉज़ बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इट इज सिमिलर टू योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सीधा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन हैज टोटल 4 इक्वेशंस, डजंट मैटर। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है मतलब आपका टेबल तो बनेगा ही बनेगा। ओके, सो आई डायरेक्टली स्टार्ट फॉर्मिंग अ टेबल। फर्स्ट में क्या आता है, इनइक्वालिटी, तो आई राइट इनइक्वालिटी। फिर इक्वेशन, चलो इक्वेशन भी लिख दिया, देन एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एक्स कॉमा वाई का वैल्यू, एंड देन फाइनली वी हैव रीजन। दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू फॉर्म अ टेबल, राइट। पहला इनइक्वालिटी कौन सा है इसमें, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब यहां पे मुझे दो वैल्यूज चाहिए, करेक्ट, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज इसको एक बड़ा सा कंप्लीट कर दूं। दो वैल्यू कैसे मिलेगा, एक बार x0 एक बार y0। तो x को अगर मैं 0 लूं तो y कितना मिलेगा, 2। सो योर पॉइंट इज 0, 2। सिमिलरली y को 0 लिया तो x मिलेगा 3। सो योर पॉइंट इज 3, 0। Now with this I have my first two points ready. Point A 0, 2. Point A 0, 2. ठीक है, Point B 3, 0. अच्छा मैं यहाँ पर 0, 2 नहीं लिख रहा हूँ, A पॉइंट का समझ जाना वो कौन है, B 3, 0 बिकॉज बहुत सारी लाइन बन सकती है ना, B 3, 0। अच्छा चलो ये सब मैं लिख लेते हैं बिकॉज दो ही इक्वेशन है। नेक्स्ट, अब ये लाइन ड्रॉ करता है, सो लाइन विल बी something like this, okay, so this is my first line which represents 2x plus 3y less than equal to 6. अब less than equal to 6 origin side है कि non origin side है, check करना पड़ेगा, ध्यान दो, 0 plus 0 0 होता है, 0 less than 6 true, 0 6 से छोटा होता है, so this side is my region, origin side. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा origin. I hope this is clear. तो जो भी अपना आंसर होगा वो इस तरफ होगा, इधर तो देखने का भी नहीं. Okay, चलो. This is my first equation. Okay, second वाले की बात करते हैं, which is x plus y greater than equals to 2. इसका equation कैसे बनेगा? X plus y equals to 2. दो values मिलेंगे, हम दो values ढूंढना पड़ेगा. So your two values will be एक बार x 0 एक बार y 0. x को 0 put किया तो y मिला 2. So this is point C 0, 2. y को 0 put किया तो x मिला 2. This is a point D 2, 0. ठीक है, ध्यान दो. Points C 0, 2 ये तो same point हो गया. Point C 0, 2 इसको ही point C भी लिख सकते हो. Point D 2, 0 ये वाला point. ठीक है, so this is point D 2, 0. अब यहां से लाइन पास होने वाली है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। सो माय लाइन पासिंग थ्रू दिस विल बी, अब मैं यहां पर है ना ब्लैक वाले मार्कर से ही ड्रॉ करता हूं सो दैट आई कैन शेयर द रीजन विद रेड। सो माय लाइन, अब ध्यान से बिकॉज बहुत क्लोज पॉइंट्स है, सो आपका ग्राफ एकदम अच्छे से बनना चाहिए बिकॉज स्मॉलेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल मेक अ डिफरेंस। ठीक है, सो आई हैव द लाइन व्हिच इज ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब चेक करते हैं कि ओरिजिन साइड की नॉर्मल साइड 0 प्लस 0 0 0 ग्रेटर देन 2 फॉल्स। फॉल्स मतलब ये आएगा नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड मतलब क्या, इस तरफ बंद करा हुआ क्या, नहीं, ऊपर की तरफ इसका आंसर होगा, करेक्ट, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये ब्लू वाला बोल रहा है नीचे की तरफ, ये ब्लैक वाला बोल रहा है ऊपर की तरफ, ध्यान दो, ब्लू वाला बोल रहा है नीचे की तरफ मतलब इधर तो देखने का भी नहीं। ठीक है, ये ब्लैक वाला बोल रहा है ऊपर की तरफ,
शेडेड रीजन शुड बी दिस पार्ट, ये आपका कॉमन रीजन है, ये सुनो, ये आपका कॉमन रीजन है, सिर्फ इतना सा पार्ट आपका कॉमन रीजन होगा इस इन दोनों लाइंस के बीच वाला पार्ट। लेकिन अभी भी मेरे चारों लाइंस फिनिश नहीं हुए, दिस इज अ ट्विस्ट इन टुडेज लेक्चर। एक और लाइन है मेरे पास व्हिच इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 कौन सी वाली लाइन होती है, x इक्वल टू 0 एक्चुअली आपकी y एक्सिस हो, आपका y एक्सिस होता है करेक्ट, y एक्सिस में भी x ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब इस तरफ वाला, सो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली आई हैव वन मोर लाइन व्हिच इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन बनेगा। एंड y इक्वल टू 0 मींस व्हाट, कैन आई से दिस इज x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, उसमें भी ग्रेटर चाहिए मतलब ऊपर की तरफ। तो ये वाला बोल रहा है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाली लाइन बोल रही है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, कैन आई से ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड आई नो दैट x इज ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब y आल्सो पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और ये वाला रीजन हमने प्लॉट किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, जब सिर्फ ये दोनों दिया था तब फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा रीजन हुआ करता था। तो यहां पे मैं लिखूंगा दिस रिप्रेजेंट्स रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों लाइंस आपको कुछ तो आंसर दे रही है ये वाला, ठीक है, ये दोनों लाइन आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ही आंसर लिखने का, बाकी नहीं लिखने का। सो योर फाइनल आंसर विल बी ये वाला पार्ट, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। एक्चुअल आंसर ये पूरा था, बट ये दोनों लाइंस ने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ही आंसर दे देगा, एंड दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ मेरा ये वाला पार्ट आंसर है, इतना छोटा सा पार्ट। ओके, so I would recommend you all to draw this diagram a little bigger मतलब ये points 1, 2, 3 आप थोड़े दूर दूर बनाओ, तो आपको graph थोड़ा अच्छे से दिखेगा। okay चलो, I hope मुझे answer तो मिल गया। अब जो answer मिला उसको मुझे note down करना पड़ेगा, तो note down कैसे करेंगे, देखो the graphical solution of given inequality is shaded in the common region. अब region कौन सा है देखो, ये point कौन सा है, point D, ये point कौन सा है, point C, ये कौन सा है, point B. Can I say B D C या फिर B C D इस triangle के बीच में ही shaded region है, तो मैं लिख सकता हूँ in the region B C D, ठीक है, ट्राइंगल मेंशन करना है कर सकते हो, नहीं करना है चलेगा, क्योंकि मैंने रीजन तो लिख दिया, कौन सा रीजन है, बी सी डी को जॉइन करने वाला कॉमन रीजन, ठीक है, शेडेड इन द कॉमन रीजन बी सी डी। अब यहां पर मुझे पता है कि बहुत छोटा सा आंसर मिला, इसलिए मैंने उसको नेम कर दिया बी सी डी। अब तक हमने पिछले लेक्चर में कभी भी नेम नहीं किया था, क्योंकि वो एक ओपन आंसर था ना, जैसे कि ऐसा आंसर आता था ओपन बहुत दूर तक इनफाइनाइट, लेकिन ये क्लोज्ड आंसर है, इसको क्लोज्ड रीजन बोलते हैं, क्लोज्ड रीजन चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, सो आई कैन एक्चुअली नेम दिस ऑल पॉइंट्स, तो आपको इस वर्टेक्स के सारे पॉइंट्स को नेम करना है, दैट्स इट। ओके, आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा लेवल अप डिफिकल्ट होने वाला है, व्हाई, बिकॉज अब हम लोग मोर देन टू इक्वेशंस को प्लॉट कर रहे हैं। नाउ लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन, जहां पे थोड़ा और लेवल अप होने वाला है, लेट्स स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाट, I have the first equation, second equation, third equation, fourth equation. Plot correct. सबसे पहले तो अपना table बनेगा. Table में कौन-कौन आता है? Inequalities आती है. ठीक है. फिर equation आता है. चलो ठीक है. फिर x coordinate, y coordinate, x comma y, and then region. ओके चलो, सो फर्स्ट इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है।
अब इसके दो वैल्यूज बन गए, एक x बार एक x जीरो एक y जीरो, सो एक बार x जीरो एक बार y जीरो, x को जीरो लिया तो y कितना मिलेगा 3, सो पॉइंट कौन सा हो गया 0, 3, y को जीरो मिला तो x मिलेगा 4, सो पॉइंट मिला 4, 0। फर्स्ट इक्वेशन रेडी, डिपेंडिंग ऑन योर फर्स्ट इक्वेशन में प्लॉट करता हूं, 0, 3 मतलब ये वाला पॉइंट, नेम इट एज पॉइंट ए, 4, 0 मतलब ये वाला पॉइंट, नेम इट एज पॉइंट बी, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द लाइन फॉर दिस, तो इसका लाइन आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो संभाल लेना। चलो, सो द इक्वेशन इज व्हाट, 3x plus 4y is greater than equals to 12. अब greater than equals to 12 मतलब मुझे mention करना पड़ेगा ना region कौन सा है, तो origin is my test point, 3 into 0 0, 4 into 0 0, 0 plus 0 0 greater than 12 false, non origin side मतलब ये वाला नहीं, ऊपर की तरफ, so जो भी आप region mark करोगे वो ऊपर की तरफ होगा, clear? चलो ठीक है, सेकेंड स्टार्ट करता है, विच इज 4x plus 7y less than equals to 28, तो इसका इक्वेशन बनेगा 4x plus 7y equals to 28। यहां पर आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, राइट, सो लेट मी ड्रॉ दिस वन, और दो वैल्यूज आपको कौन से मिलेंगे, एक बार x जीरो एक बार y जीरो, x को जीरो लिया तो y मिलेगा 4, विच इज पॉइंट c 0, 4, y को 0 लिया तो x मिलेगा 7, so point D is 7, 0, so आपकी लाइन कैसे बनने वाली, देखो c 0, 4 मतलब ये वाला पॉइंट, let this be point C, D 7, 0 मतलब ये वाला पॉइंट, let this be point D, ठीक है। अब इन दोनों लाइन से पास होने वाला एक लाइन ड्रॉ करना है मुझे, so let's complete these. Be very careful. ठीक है, इस तरीके से कुछ जाएगा वो, अब ये आगे तक जा रहा है, ठीक है, तो इस ब्लू वाली लाइन को भी मुझे आगे तक लेके जाना पड़ेगा, सो व्हाट आई विल डू इज आगे तक लेके गया, सिमिलरली इस ब्लू वाले को भी आपको आगे तक लेके जाना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रेड वाले का नाम क्या है, 4x plus 7y less than equals to 28, रीजन चेक करना, ओरिजिन इज द टेस्ट पॉइंट, 0 प्लस 0 0 0 लेस देन 28, यस, तो नीचे की तरफ इसका रीजन बन रहा है, नीचे की तरफ इसका रीजन बन रहा है, ओके। चलो नाउ लेट्स एक्सपांड दिस ब्लू वाला लाइन, बिकॉज अब तक मुझे इंटरसेक्ट नहीं हुआ, इंटरसेक्शन नहीं हुआ इसका, सो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, सो एक्सपांशन विल गो अबाउट समथिंग लाइक दिस, वो यहां पे जाके कहीं को इंटरसेक्ट करने वाला है, ओके, सो दिस इज माय ब्लू वाला लाइन। अब तक का आंसर देखो, अब तक का आंसर इसका क्या है, आंसर ओरिजिन साइड, तो मैं यहां पर लिखूंगा ओरिजिन साइड, ठीक है, अब तक का आंसर देखो, ये ब्लू वाला बोल रहा है ऊपर की तरफ, ये रेड वाला बोल रहा है नीचे की तरफ, सो एज पर अवर कॉमन सेंस कैन आई से दिस शुड बी द शेडेड रीजन, अब तक ये 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 पूरा ये पूरा ये पूरा दोनों लाइंस के बीच में जितना भी पार्ट है वो अपना शेडेड रीजन आना चाहिए अब तक, लेकिन सिर्फ दो इक्वेशन नहीं दिया है, तीसरा और चौथा भी है, सो लेट्स स्टार्ट, तीसरा कौन सा देखो, सो आई विल जस्ट नेम इट एज y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन कौन सी होती है, फर्स्ट लेक्चर याद करो, y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, y इक्वल्स टू 1 मतलब y का वैल्यू 1, और सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन कहां से पास करेगी पता है, ये वाले पॉइंट से पास करेगी, वेयर इन x इज 0 एंड y इज 1, ठीक है, सो दिस इज इट, इतना ही आपको बताना है कि वो कहां से पास करेगी 0, 1, और ये नहीं पता है तो भी चलेगा, सिर्फ इतना समझ लो y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, दिस इज
इज माय y equals to 1 वाली लाइन। अब y equals to 1 में y greater than equals to 1 है। अब y greater than equals to 1 मतलब y का वैल्यू 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब ऊपर की तरफ इसका शेडेड रीजन होगा। अब और ट्विस्ट आ गया, कैसे? अब तक के आंसर में ये दो लाइंस के बीच वाला मेरा शेडेड रीजन था, ऊपर से एक और लाइन आ गई। ये एक और लाइन आने के बाद मुझे क्या समझ में आया, ऊपर ऊपर चाहिए। तो जो भी अब तक का आंसर था उसमें ऊपर ऊपर ऊपर, अगर ये वाला नहीं आएगा तो ये वाला पार्ट मेरा आंसर होना चाहिए अब तक। हाँ, ये वाला पार्ट, दिस पॉइंट शुड बी माई आंसर टिल नाउ। एक चीज और बाकी है, चौथा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन। एक्स इक्वल टू जीरो वाला इक्वेशन कौन सा होता है? वाई एक्सिस वाला इक्वेशन। मतलब वाई एक्सिस मेरी लक्ष्मण रेखा है, तो लक्ष्मण रेखा के या तो उस पार या तो इस पार। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला मतलब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव किस पर होता है, किस पर होता है? तो मैं से इस पर होता है। सो वाई एक्सिस इज माई रीजन, और वाई एक्सिस के रीजन के हिसाब से मुझे इस तरफ का आंसर चाहिए क्योंकि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस, और उसमें भी ये वाला पार्ट। तो अब तक क्या सीन है देखो, इन तीनों लाइंस के हिसाब से ये मेरा आंसर था। अब चौथा वाला बोलता है कि x greater than equal to 0 मतलब ये लाइन के सिर्फ इस तरफ, राइट साइड, y एक्सिस के इस तरफ तो देखने का भी नहीं। सो योर आंसर विल बी दिस पार्ट ओनली, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। क्योंकि रेड वाला बोलता है नीचे, ये वाला ब्लू बोलता है ऊपर, ये वाला ब्लू बोलता है इधर, एंड y एक्सिस बोलता है इस तरफ। So this part is my shaded region, जिसका नाम देखो, ये point A, ये point C, इन दोनों का नाम नहीं है, दे, let this be point E and let this be point F, correct? So this is my shaded region, जहाँ पर आप लिख सकते हो, therefore the graphical solution of above inequality is shaded in the common region, कौन सा common region है? ACFE, and that is my answer. Question बनाने में, solve करने में time तो लगेगा, because आप चार चार equations को plot कर रहे हो graph paper पे, maybe graph paper, maybe on notebook, और उसका रीजन फाइंड कर रहे हो, ठीक है? एंड दिस क्वेश्चन इफ कम्स इन एग्जाम्स इट कम फॉर 4 कंप्लीट मार्क्स, 4 मार्क का क्वेश्चन है। टाइम ज्यादा लगता है मैं मानता हूं, लेकिन मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम है, प्रोवाइडेड यू नो कि ये रीजन कैसे प्लॉट करने का और कॉमन रीजन कैसे निकालने का, वही हम लोग सीख रहे हैं। इफ दैट इज डन दिस चैप्टर इज वेरी इजी, ओके? सो आई हैव द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड मैंने सॉल्व कर लिया। बेस्ड ऑन दिस आई मीन मुझे पता है कि आप फर्स्ट टू सॉल्व कर ही लोगे, ओके? सो डू सॉल्व दिस, राइट दिस, एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड दिस रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन, इन मच इजियर एंड अ क्लियरर वे, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस दिख रहे हैं यहां पर, इन ऑल टोटल 6 इक्वेशंस है, ओके? वैसे दिख रहा है आपको 4, लेकिन टोटल 6 है। देखो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहां से स्टार्ट करने से अच्छा आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्योंकि उसमें टेबल फॉर्म करना है। सो व्हाट आई डू इज आई विल टेक द फर्स्ट वन क्या दिया है, 2x + y is greater than equal to 4, मतलब 2x + y equals to 4 आपका इक्वेशन होगा। एक बार x 0, एक बार y 0, x को 0 लिया तो y मिलेगा 4, पॉइंट a मिल गया 0, 4, y को 0 लिया तो x मिलेगा 2, तो पॉइंट b is 2, 0, ठीक है? रीजन भी अभी चेक कर लो, ओरिजिन पॉइंट 0, 0, 0 + 0, 0, 0 greater than 4 false, तो ये आएगा नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है? चलो दिस इज डन। अब या तो डायरेक्टली इसको लाइन प्लॉट कर लो या फिर बाकी का पूरा टेबल कंप्लीट कर लो, लेकिन हमें आ जाते हैं एक एक करके सॉल्व करने की। सो व्हाट आई डू इज 0, 4
पॉइंट ए मार्क करूंगा, 2.0 पॉइंट बी मार्क करूंगा. ओके एंड लेट्स ड्रॉ अ लाइन बेस्ड ऑन दिस. सो इसका लाइन कुछ इस तरीके से बनने वाला है. ओके दिस इज आवर लाइन एंड दिस लाइन इज फॉर 2x plus y greater than equals to 4 non origin side मतलब ऊपर की तरफ. तो जो भी आपका आंसर होगा वो इधर होने वाला है, इधर कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, चलो फर्स्ट लाइन इज डन, लेट्स मूव टू सेकंड वन. नाउ सेकंड वन इज x plus y less than equals to 5, मतलब x plus y equals to 5. एक बार x 0 एक बार y 0, x को 0 लिया तो y हो गया 5. पॉइंट सी 0.5, y को 0 ले तो x हो गया 5. पॉइंट डी 5.0, ओरिजिन नॉन ओरिजिन सेट के लिए 0.0 पुट करो, 0+0=0, 0<5, यस सो ट्रू आया था, मैं लिखूंगा ओरिजिन साइड. लेट्स प्लॉट दिस एंड एक्चुअली ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस. सो सी 0.5 ये वाला पॉइंट होगा, पॉइंट सी 0.5, 5.0 पॉइंट डी 5.0, यहां लिख लो पॉइंट डी 5.0. लेट्स ड्रॉ अ लाइन आउट ऑफ दिस. So it will be something like this. Correct. So ये होगा आपका लाइन, और इस लाइन का नाम क्या है? X plus y less than equals to 5. अब ओरिजिन साइड है मतलब नीचे की तरफ, दिस साइड. So अब तक आपका आंसर क्या बोलता है? रेड मतलब ऊपर की तरफ, सब कुछ ये साइड होना चाहिए. ब्लू मतलब नीचे की तरफ, मतलब आपको सिर्फ ये वाला आंसर मिलने वाला है. इस पॉइंट से लेके दोनों लाइन के बीच में जितना भी कुछ दिख रहा है वो आपका शेडेड रीजन बन सकता था अगर सिर्फ ये दोनों इक्वेशन होते. आगे भी है, चलो ठीक है, आगे कौन सा देख लो. अब यहां पर अगर आप देखोगे तो वाई के और एक्स के दो वैल्यू है. पहला एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, x less than equals to 3, और दूसरा क्या है x greater than equal to 0. तो ये पहले वाले के लिए सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे. ये देखो पढ़ने का कैसे, x less than equals to 3 इतना ही पढ़ने का, और इस वाले के लिए उल्टा पढ़ने का, x greater than equal to 0. ठीक है, तो ये वाला अगर सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन होगा x equal to 3. अब x equals to 3 वाली लाइन कहां होती है? x equals to 3 मतलब ये x equals to 3, और ये सिंगल वेरिएबल है. सिंगल वेरिएबल मतलब या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल. अब यहां से पास करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वर्टिकल ही होगी. सो माय लाइन फॉर x इक्वल्स टू 3 विल बी समथिंग लाइक दिस. सो मैं इसको इस तरीके से बनाने वाला हूं, x इक्वल्स टू 3 वाली लाइन. ठीक है, और उसमें भी x लेस देन इक्वल्स टू 3 बोला है. अब x less than equals to 3 बोला means what? x का value 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए मतलब इस तरफ, इस तरफ. So अब तक आपका आंसर क्या है? ये वाली लाइन ये वाले पॉइंट से पास कर रही है. So let this point be named as point E, और इस पॉइंट का वैल्यू क्या है? 3.0. So x is 3, y is 0, point E 3.0. ठीक है, towards origin, क्योंकि इस तरफ है ना. तो अब तक आपका आंसर क्या है? ब्लू वाला बोल रहे नीचे की तरफ, रेड वाला बोल रहे ऊपर की तरफ. इन दोनों लाइन के हिसाब से जो भी रीजन था वो ये था. अब बीच में ये लक्ष्मण रेखा आ गई, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं इस तरफ इस तरफ इस तरफ. सो योर आंसर इज अब तक दिस पार्ट. ठीक है, बी वेरी केयरफुल, हर एक लाइन ड्रॉ करने के बाद कॉमन रीजन चेक करो कि वो क्या है. सो दिस पार्ट इज द कॉमन रीजन अप टिल नाउ. And we have one more line to be solved now. अब वो line क्या है वो देखते हैं. This line is y less than equals to 3, y less than equals to 3, and y greater than equal to 0. y less than equals to 3, y greater than equal to 0. इसको बाद में solve करते हैं, पहले इसका. y less than equals to 3 मतलब y equals to 3 वाली line. y equals to 3 वाली line कहाँ बनेगी? जहाँ पर y 3 है, मेरा. ठीक है, तो y equals to 3 वाले लाइन आपकी इस तरीके से बनने वाली है. सो आई जस्ट ड्रॉ दिस लाइन व्हिच इज y equals to 3. करेक्ट, दिस इज माय y equals to 3 वाली लाइन. उसमें भी y less than equals to 3 बोला है,
मतलब y का वैल्यू 3 से छोटा, छोटा मतलब नीचे की तरफ इसका शेडेड रीजन बनने वाला है, नीचे की तरफ मतलब कहने से ओरिजिन साइड, ठीक है। पास कहां से कर रहा है, 0.3 वाला पॉइंट से पास कर रहा है, नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट f। अब तक कोई डाउट नहीं है, नाउ व्हाट शुड बी माय कॉमन रीजन। लास्ट टाइम हमने कहां पे स्टॉप किया, ये वाला पार्ट, यहां तक स्टॉप किया था। अब ये ब्लैक वाली लक्ष्मण रेखा आ गई, ये बोलते हैं नीचे की तरफ, तो ये पार्ट तो उड़ गया। अब तक क्या बचा आपके पास, ये पूरा बचा हुआ है, देखो यहां से लेके ऐसा पार्ट बचा हुआ है। अब तक बचा ना, आगे दो चीजें और बाकी है। x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। x greater than equal to 0 मतलब x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। x पॉजिटिव y पॉजिटिव means what? These equations represent region in first quadrant। Yes, मुझे ये बार बार बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, बिकॉज आपको पता है दोनों पॉजिटिव कहां पे होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये चार इक्वेशंस के हिसाब से मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। ये दोनों कौन होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका जो अब तक का आंसर था वो यहां से लेके ये पूरा था, बट नाउ द फाइनल आंसर विल बी ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, दैट्स इट। ये वाला पार्ट मैं नहीं लूंगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर चाहिए। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के हर एक वर्टेक्स आपको मालूम है क्या चेक कर लेते, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ तो जा चुका है, जी ले लो, एच ले लो, पॉइंट आई ले लो। सो व्हाट इज योर आंसर, बी ई जी एच आई, दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन। क्लियरली थोड़ा मैंने बड़ा डायग्राम ड्रॉ किया, इस बार आपको अच्छे से समझ जाएगा। ओके, सो यहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ग्राफिकल सॉल्यूशन, द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज इज शेडेड इन द कॉमन रीजन, इज शेडेड इन द कॉमन रीजन। कॉमन रीजन का नाम बी ई जी एच आई, एंड दैट इज द आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया। एक चीज यहां पर मिसिंग है, स्केल, वो आप लिख लोगे मुझे पता है, दैट्स इट। बाकी द डायग्राम इज कंप्लीटेड विद अ प्रॉपर टेबल, एंड यहां पर मैंने इसको दो इक्वेशन को अलग लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यूज, वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, एंड दैट इज द आंसर। If this is how you solve a question, you will definitely get 4 marks in your exam. Okay? So just make a note of this, और इसके बाद हम लोग 6th one start करने वाले। Now let's start with the last question, that is 6th question for today. Question number 1 का 6th question बहुत easy माना जाएगा, because यहाँ पर 3 equations ही है, बाकी दोनों तो हमें पता है कि it means first quadrant, ठीक है, तो वो तो solve हो जाएगा। तीन इक्वेशंस को प्लॉट करना है, कॉमन रीजन फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2। इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक बार x 0 एक बार y 0, x को 0 लिया तो y मिलेगा माइनस 1, तो द पॉइंट इज 0 कॉमा माइनस 1 व्हिच इज पॉइंट a। फिर y को अगर मैं 0 लूं तो x मिलेगा 2, दिस इज पॉइंट b, 2, 0। अब ओरिजिन है कि नहीं देख लेते, 0 0 पुट करो, 0 - 0 0 0 लेस देन 2, यस ओरिजिन साइड तो है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले पूरा टेबल कंप्लीट करता हूं और फिर ग्राफ पे आने वाला, एक अलग तरीका ट्राई करके देखते हैं। आपको जो पसंद आए वो आप यूज कर सकते हो, पहले वाला भी और ये वाला भी। चलो, या तो आप इसका डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करो या फिर पहले पूरा टेबल कंप्लीट करना। चलो, सेकंड वन, x plus y greater than equals to 3, equation क्या होगा, x plus y equals to 3, एक बार x 0 एक बार y 0, x को 0 लिया तो y 3, point c मिलेगा 0, 3, y को 0 लिया तो x 3, point d मिलेगा 3, 0, 0 plus 0, 0, 0 greater than 3, no, non-origin side, ठीक है। next,
अब तीसरा इनइक्वालिटी -2x plus y less than equals to 4, इसका इक्वेशन क्या होगा? -2x plus y equals to 4, x 0, y 0, x को 0 लिया तो y मिलेगा 4.e 0.4, y को 0 लिया तो x मिलेगा -2.f -2.0। ओरिजिन है कि 0 plus 0, 0 less than 4, yes, so origin सही, origin सही। तीनों के तीनों इक्वेशंस का मैंने टेबल बना लिया एंड लास्टली इट इज गिवन दैट x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दैट इज x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको प्लॉट करते हैं एक एक करके। चलो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे a 0 कॉमा माइनस 1। 0 कॉमा माइनस 1 मतलब यहां पे आएगा, दिस इज पॉइंट a। b 2 कॉमा 0 यहां पे आएगा, दिस इज पॉइंट b। लेट्स ड्रॉ लाइन आउट ऑफ दिस। सो इसका जो लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो दिस इज माय लाइन और इसका नाम क्या है? x माइनस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब ऊपर की तरफ, करेक्ट। सो आपकी फर्स्ट लाइन बन गई। नाउ आई मूव टू माय सेकंड लाइन व्हिच इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करना है। पॉइंट इज c 0, 3 एंड d 3, 0। दिस इज d 3, 0। यहां से लाइन पास होने वाली है, सो लेट्स ड्रॉ इट। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसका नाम क्या बनने वाला है? x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नॉन ओरिजिन साइड। ये ओरिजिन नहीं है तो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब तक क्या क्या किया हमने, देखो पहला वाला लाइन इसको ड्रॉ किया। ओरिजिन साइड का मतलब ओरिजिन यहां पर है तो ऊपर की तरफ ऐसा दिखा दिया उसको। ये वाली लाइन को प्लॉट किया मैंने। नॉन ओरिजिन साइड मतलब इसको इस तरफ दिखा दिया मैंने। सो अब तक का आपका कॉमन सॉल्यूशन क्या है? देखो ये बोल रहा है सिर्फ ऊपर की तरफ देखो, उसमें से ये बोल रहा है इधर तरफ, तो कहने से दिस इज माय कॉमन सॉल्यूशन टिल नाउ, ठीक है। अब तीसरी लाइन, दो पॉइंट कौन से? e 0, 4। सो दिस इज e 0, 4। f -2, 0 this is point f। so let's draw a line passing through this। so line passing through this kya hoga dekho, this should be your line, correct hai, wahan se pass kar raha hai। so your answer will be ye f ye e। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है -2x + y < 4 टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इस तरफ। नाउ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक एक करके ड्रॉ करता हूं, कंफ्यूजन नहीं होता है, बट स्टिल डोंट वरी। अब तक क्या सोल्यूशन था? ये और ये, इसके ऊपर का सब कुछ। अब ये लाइन आ गई बीच में, तो इसके नीचे का सब कुछ, मतलब ये सब कुछ, ये सब कुछ, ये सब कुछ, ये सब कुछ, देखो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, ये आपका कॉमन सॉल्यूशन है। लेकिन दिस इज व्हाट आंसर शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये छोटू सा जो पार्ट है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट का, इसको नहीं लेने का। तो सिर्फ किसको लेने का? दिस पार्ट। This part is my common answer। ध्यान दो मैंने ये वाला पार्ट नहीं लिया है, यहां से स्टार्ट हुआ, बिकॉज ये वाला पार्ट नहीं ले सकते, ब्लू बोर्ड नीचे की तरफ, राइट। सो यहां से यहां पे, यहां पे, यहां, एंड दिस इज माय कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन का रीजन देख लो, सारे पॉइंट पता है क्या आपको? पॉइंट ई, ये पॉइंट सी, इसका नाम नहीं मालूम, तो इसको एक नाम दे देते हैं। अब तक एफ हो चुका है ना, तो लेट दिस बी पॉइंट जी, इसको एक नाम दे दो चाहो तो जी एच, और यहां पर पॉइंट एम ले लो,
ठीक है, सो योर कॉमन रीजन विल बी, तो यहां पर मैं आंसर के फॉर्म में लिखूंगा, देयरफॉर द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, क्यों फिजिबल सॉल्यूशन लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में वो पूछा ना फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वालिटी इज शेडेड इन द कॉमन रीजन, इज शेडेड इन द कॉमन रीजन, कॉमन रीजन कौन सा है, एम ई सी जी एच, एंड दैट्स माय आंसर। आई होप आपको इस समझ में आ गया, तीन तीन इक्वेशन था, तीनों को लाइन ड्रॉ किया बेस्ड ऑन द रीजन, आपको ये आंसर मिल गया। ओके, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ऊपर नीचे क्या हुआ, अच्छे से देख लेना लाइन बाय लाइन सॉल्व किया तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और एक बार एकदम आप प्रो हो गए इसमें फिर आप पूरा टेबल बना के आप रेडी कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, विद दिस वी कंप्लीट विद टुडेज लेक्चर। यहां पर हमने सीखा कि बहुत सारे अगर इक्वेशन हुए तो कैसे आपका फिजिबल सोल्यूशन मिलता है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो, विल स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।